हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अपने घर पे बहुत अच्छे से होंगे। तो बेटा देखो, आप कौन सी कक्षा में पढ़ रहे हो? केजी कक्षा में। और आज के हम कौन से विषय का वर्क कर रहे हैं? हिंदी का। ठीक है, देखो आज मैम ने एक अलग सी चीज ली है। क्या है ये? एक कहानी है। किसकी? प्यासे कौए की। आधा प य आ स आ, प्यासा क औ आ, कौआ, प्यासा कौआ। आपको ये कहानी सिर्फ समझनी है। जैसे नाइट में, रात में आप अपने मम्मी पापा से, दादी से, नानी से कहानी सुनते हो ना, ऐसे ही ये कहानी आपको बताएंगे, सुनाएंगे। ठीक है, लेकिन इसका मेन पर्पस क्या है बेटा? आपको हिंदी पढ़नी आनी चाहिए, आपको इसकी रीडिंग करनी है। ठीक है, ऐसे ही छोटी छोटी लाइनें लिखी है, आपको इसको अपनी नोटबुक में लिखना है और इसके साथ साथ इसकी रीडिंग करनी है। आपको 5 टाइम्स इस कहानी को हम एक कविता के तरीके से आपको लर्न करवाएंगे, जिससे आपको जल्दी हो जाएगी। ठीक है, तो आपको इसको अपनी नोटबुक में पंक्तिपूर्ण तरीके से लिखना है, ठीक है, एज अ लाइन, और इसको आपको 5 टाइम्स इसकी रीडिंग करनी है और अपनी वीडियो बना के भी मैम को भेजनी है। तो ठीक है, लेट स्टार्ट नाउ। स्टार्ट करें, देखो। अ क, ये क्या है? ए, क्या है ये? ए डी वाला ए, ए क, एक। कई बच्चे हैं जिनको अभी 2 अक्षर के, 3 अक्षर के शब्द, मात्राएं समझ में ही नहीं आ रही, तो इसमें क्या होगा कि मात्रा भी आपको पढ़नी आएगी और शब्द भी पढ़ने आएंगे। तो आपको इसे अच्छे से समझना है, अच्छे से सुनना है। ए क, एक। क औ, ये किसकी मात्रा है? औ की। आ कौआ। आधा प, क्या है ये? आधा प, यानी कि आधा व्यंजन है। या सा, प्यासा था। एक कौआ प्यासा था। घ ड ए, किसकी मात्रा है ये? ए की। घड़े म ए, में, घड़े में। पा नी, पानी। थोड़ा थोड़ा, किसकी मात्रा है ये? ओ की, ओ ओखली वाली। थोड़ा थोड़ा था, घड़े में पानी थोड़ा था। आपको पहले जोर जोर के आप पढ़ोगे, फिर उसके बाद आपको एक बार पूरी लाइन फिर से अच्छे से बोलनी है। ठीक है, कौआ, कौआ। ला या, लाया। कन, कड़। देखो क के ऊपर अंग की मात्रा है, ठीक है, जिसको हम कैसे लगाते हैं? एक बिंदी के जैसे। ठीक है, कन कंकड़। कंकड़ क्या होते हैं? छोटे 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 पत्थर के टुकड़े। कौआ लाया कंकड़। घड़े, घड़े म ए में। डाले, डाले। घड़े में डाले कंकड़। कंकड़ों को उसने क्या किया? घड़े में डाला। पानी, पानी। आ या, आया। ऊपर, ऊपर। पानी आया ऊपर। कौए, हम इसको कौआ भी बोलते हैं और कौए भी बोलते हैं, ठीक है। कौए, कौए। न ए ने। पी या, पिया। पा नी, पानी। कौए ने पिया पानी। ख त म, खत्म। इसमें त कैसा है? आधा है। खत्म। हु ई, हुई। और ऊ की मात्रा कैसी है? छोटी ऊ की मात्रा है और जल्दी बोल जाती है, हुई। क हा नी, कहानी। खत्म हुई कहानी। देखो एक बार एक प्यासा कौआ था, ठीक है, क्या था? एक कौआ था, उसको बहुत तेज प्यास लगी थी, तो वो उसने क्या किया, पानी के लिए घूमने लग गया इधर उधर। उसे कहीं पानी नहीं मिला। सडनली उसे एक पॉट, एक घड़ा दिखाई देता है, उसमें पानी होता है, लेकिन ना उसकी चोंच पानी तक नहीं पहुंचती। फिर वो क्या करता है, सोचता है कि अब मैं पानी कैसे पीऊं? तो क्या होते हैं, घड़े के पास छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े, जिसको हम कंकड़ बोलते हैं, वो रखे होते हैं। कौआ क्या करता है, उन कंकड़ों को उठाता है और घड़े में डालता है, जिससे क्या होता है, कंकड़ हैवी होते हैं, भारी होते हैं, वो क्या होते हैं, नीचे चले जाते हैं और पानी क्या हो जाता है, ऊपर आ जाता है। फिर कौआ पानी पीता है और उड़ जाता है। अब एक बार फिर से रीडिंग कर रहे हैं, इसको अच्छे से सुनना। एक
कौआ प्यासा था, घड़े में पानी थोड़ा था, कौआ लाया कंकड़, घड़े में डाले कंकड़, पानी आया ऊपर, कोए ने पिया पानी, खत्म हुई कहानी। ओके, इंटरेस्टिंग है ना? तो इसको आज आप ऐसे ही याद करना। एक बार ये और बोल के बताऊं आपको, आपको ऐसे लर्न भी करनी है और इसको लिख के इसकी रीडिंग करके अपनी मैम को वीडियो जरूर भेजनी है। ओके, सी अगेन एंड लिसन केयरफुली। एक कौआ प्यासा था, घड़े में पानी थोड़ा था, कौआ लाया कंकड़, घड़े में डाले कंकड़, पानी आया ऊपर, कोए ने पिया पानी, खत्म हुई कहानी। आपको एज इट इज इसको लर्न भी करना है बेटा। ओके, और स्पेशली इसमें जो मात्राएं लगी हैं आपको उस पर भी ध्यान देना है कि किस व्यंजन पर कौन सी मात्रा है, इससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो पाएगी। ओके बेटा, अच्छे से वर्क करना है और मैम को सेंड करना है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ गुड डे।